फैशन नाम है सिर्फ ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। हम इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपना सारा काम कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों को कुछ एतराज़ है तो आप लोग आइए यहाँ पर, पहले हमें देखिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके बाद आप अपनी राय दीजिए। मैं हिंदुस्तान वाला, मैं दुबई ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी की ओनर हूँ। मुझे एक्सप्लेन ये करना है आज कि हमारा जो प्रोग्राम है मालेगांव फैशन मेला, इसके ऊपर कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया है। हमें इसके बारे में ये बताना है कि फैशन नाम है सिर्फ ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। हम इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपना सारा काम कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों को कुछ एतराज़ है तो आप लोग आइए यहाँ पर, पहले हमें देखिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके बाद आप अपनी राय दीजिए। हमारा यहाँ पर मकसद है, इसको इस फैशन मेले को कायम करने का मकसद हमारा ये है कि हम औरतों को अपने पैरों पर खड़े करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि औरतें भी बिज़नेस में आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी तरीके का बिज़नेस हो, छोटा बिज़नेस हो या बड़ा हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो दुबई ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी है, यहाँ पर बाकायदा एकेडमी चलाती हूँ। इसमें हम लोग मेहंदी सिखाते हैं, मेकअप वगैरह सिखाते हैं। ये सारे काम जो सारी हमारी क्लासेस है इस्लाम के दायरे में हो रही है। हम यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके का कुछ इस्लाम से हट कर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा प्रोग्राम है ये तो 19 फरवरी बरोज इतवार ख्वातीन का दुआइया इज्तिमा रखे है। मगरिब बाद हम लोगों ने शाम और तुर्की के मुतासिरीन के लिए खसूसी दुआ का इंतज़ाम रखे हैं। इसके बाद पीर के दिन हम लोगों ने मेहंदी कंपटीशन रखा है 20 फरवरी को, 21 फरवरी को बरोज़ मंगल को दुबई ब्यूटी एंड सैलून एंड एकेडमी की जानिब से फ्री में मेकअप सेमिनार रखा गया है। मेकअप सेमिनार फ्री में रखने का मकसद हमारा ये है कि शहर की जो ख्वातीन हैं वो इसको देखें, मेकअप कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, और इसको देखकर सीखे और आगे बढ़े। हमारा कहीं भी कुछ भी कहीं भी गलत इंटेंशन नहीं है कि लोग भटके या कहीं से भी इस्लाम से दूर हो। हम सारी चीज़ें इस्लाम के अंडर में रह कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को एतराज़ है तो आप पहले आइए यहाँ विज़िट करिए। यहाँ पर हम लोगों ने खसूसी लेडीज़ के लिए ये रखा है, अरेंज किया है पूरा प्रोग्राम। लेडीज़ के लिए अरेंज करने का मकसद ही ये है कि ओनली लेडीज़ रहे तो कहीं भी किसी भी गैर महरम के साथ उनका इंटरेक्शन ना हो किसी भी तरीके का। और जो गैर महरम लोग हैं, जेंट्स हैं, ओनली स्टॉल वाले हैं। उसके बाद बुध के दिन बरोज़ बुध को 22 फरवरी को हमने नात का भी मुकाबला रखा हुआ है। और उसके बाद मगरिब बाद बच्चों का रंगारंगी सकाफती प्रोग्राम रहेगा। जुमेरात के दिन हमने 23 फरवरी को फिर मेकअप सेमिनार रखा है एक, और वो भी मेरा अपना ही रहेगा। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए इसमें कहाँ क्या गलत हम लोगों ने किया है, या कहाँ से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इस्लाम से दूर या इस्लाम मुखालिफ हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर आपको एतराज़ है तो आप बेशक यहाँ आइए, विज़िट करिए, उसके बाद हमें बोलिए कि आपको इस पर एतराज़ है। आप डायरेक्ट अपनी राय मत दीजिए इसके बारे में कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि देखिए आप इतने बड़े हो, आप एतराज़ कर रहे हो तो पकड़ तो आपकी भी होनी है। हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं आप उस पर बोल रहे हैं तो ठीक है, पर आप अगर डायरेक्ट अपनी राय दे रहे हैं तो ये तो गलत है ना। घर बेशक सर दूसरे तरीके से भी मिल सकता है, पर जो मेकअप फील्ड है ना, इसमें एक मतलब किसी को इंटरेस्ट है तो वो बिल्कुल आए इसमें, मेकअप सीखे और उसके बाद करें। क्योंकि बनाओ सिंगार शौहर के लिए बीवी कर सकती है, इसके लिए कहीं भी इस्लाम में मनाई नहीं है। इवन कल हमारी जुलेखा आपा जो है वो खुद आपको बताया कि कितने माशरे में कितने तलाक तो सिर्फ इस वजह से होते हैं कि औरतें शौहर के लिए सिंगार नहीं करती है। तो फिर ये तो गलत है ना, अगर अपने हम इस जानिब बिना ध्यान दे तो। मेरा नाम शर्मीन हिंदुस्तान वाला, मैं दुबई ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी की ओनर हूँ। आपको कुछ भी एतराज़ है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें, और अगर आप ऐसे अपनी राय रखेंगे डायरेक्ट, हमारी भी तो कुछ पक्ष सुनिए आप।